वेलकम गाइस, हमारी टॉप 10 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड की टॉप 10 ऐसी मूवी जिसने पैसों का ढेर लगा दिया है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में शामिल हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी मूवी YouTube पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ मैं इन सभी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए टॉप 10 मूवी की ओर चलते हैं। और हमारी टॉप 10 मूवी की लिस्ट में नंबर 10 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस 7। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। मूवी के मुख्य हीरो थे वैन डीजल, पॉल वॉकर, द रॉक। और आपको बता दें कि ये मूवी पॉल वॉकर की आखिरी मूवी थी क्योंकि इस मूवी की शूटिंग से घर लौटते समय कार दुर्घटना में पॉल वॉकर की मौत हो गई थी, इसलिए दर्शकों ने उसकी श्रद्धांजलि पर इस मूवी को ढेर सारा प्यार देते हुए इस मूवी को वर्ल्ड के टॉप 10 मूवी में अपना स्थान दे दिया है। और ये मूवी एक्शन और स्टंट से भरपूर मूवी है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप जाइए और एक बार जरूर देखिए। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट करीबन $200 मिलियन था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $1.516 बिलियन की कमाई के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 ग्रॉसिंग मूवी में नंबर 10 पे स्थान अपना बना लिया है। नंबर 9 पे है द एवेंजर्स। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को जोस वीडो ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में सभी बड़े बड़े स्टार को एक साथ एक ही स्क्रीन पे ला के फैंस को सरप्राइज किया था और दर्शकों ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया। इस मूवी में सुपर हीरो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर जैसे बड़े बड़े स्टार इस मूवी के हीरो रहे हैं। शायद आपने ये मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आप डायरेक्ट देख सकते हो, वो भी हिंदी में। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 8 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट $220 मिलियन था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $1.519 बिलियन की कमाई करके वर्ल्ड की टॉप 10 ग्रॉसिंग मूवी में अपना नाम 9वें नंबर पर दर्ज कर लिया है। नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन नो वे होम। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और मूवी एक्शन एडवेंचर से पूरी भरपूर है। स्पाइडरमैन सीरीज की ये एक और मूवी है। इस मूवी को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी ने सिनेमा घरों में आते ही पैसों की बारिश कर दी थी और दर्शकों ने भी काफी इस मूवी को पसंद किया था क्योंकि इस मूवी में स्पाइडरमैन के तीनों पार्ट्स यानी कि टॉम हॉलैंड, टॉबी बेक्यूल अने एंड्रू गारफील्ड को एक ही साथ इस मूवी में दिखाया गया है जिससे ये मूवी और भी बेहतर बनाई गई है। साथ ही साथ इस मूवी में सभी विलेन को भी दिखाया गया है। बाकी की स्टोरी आपको मूवी देख के ही पता चलेगी और इसे भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां से आप डायरेक्ट इस मूवी को देख सकते हो। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 8.7 की रेटिंग मिली है और इस मूवी को 97% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट $200 मिलियन था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $1.694 बिलियन की कमाई के साथ टॉप 10 में नंबर 8 पे आ गई है। नंबर 7 पे है द लायन किंग। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एडवेंचर और ड्रामा पर आधारित है। इस मूवी को जॉन फासियर ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी फैमिली ड्रामा है और इस मूवी को हम फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं और मूवी भी बड़ी मजेदार है, एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी को 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट था 250 से 260 मिलियन डॉलर का और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $1.663 बिलियन की कमाई करके वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में नंबर 7 पे अपना स्थान बना लिया है। उसके बाद है नंबर 6 जुरासिक वर्ल्ड। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्शन और ड्रामा से भरपूर है।
इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। जुरासिक पार्क के बाद ये मूवी करीब 22 साल के बाद सिनेमाघरों में आई है और इस मूवी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अपने जनरे गाड़ दिए और पैसों की बारिश कर दी। इस मूवी को कॉलिन ने डायरेक्ट किया है। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। और इस मूवी का टोटल बजट $150 मिलियन था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे $1.670 बिलियन की कमाई के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में नंबर 6 पे अपना नाम दर्ज करवा लिया है। नंबर 5 पे है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्शन और एडवेंचर ड्रामा से भरपूर है। इस मूवी को एंथनी सुरो और जॉय सुरो ने डायरेक्ट किया है। एवेंजर्स की सफलता के बाद डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाकर एवेंजर्स की सीरीज को आगे बढ़ाया है। इस मूवी ने आते ही सिनेमाघरों में अपने झंडे गाड़ दिए और दर्शकों ने अपना प्यार बरसाते हुए वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में नंबर 5 पे अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस मूवी के जबरदस्त एक्शन और हीरो के नए लुक ने मूवी पर 4 चांद लगा दिए और इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड की टॉप 10 ग्रॉसिंग मूवी में अपना नाम नंबर 5 पे दर्ज कर लिया। IMDb रेटिंग पर इस मूवी ने 10 में से 8.4 की रेटिंग मिली है और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट 325 से 400 मिलियन डॉलर का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने करीबन $2.48 मिलियन की कमाई के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में नंबर 5 पे अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उसके बाद नंबर 4 पे है स्टार वॉर। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक्शन और ड्रामा एडवेंचर से भरपूर है। इस मूवी की फाइटिंग और साउंड इफेक्ट ने दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया है और इस मूवी को JJ ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की सभी पार्ट्स की तरह दर्शकों ने इस पार्ट्स को भी काफी पसंद किया है और अपना प्यार बरसाते हुए इस मूवी को वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में अपना नाम दर्ज करवाने में मदद की है। इस मूवी को IMDb रेटिंग पर 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट $300 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $2.068 बिलियन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नंबर 4 पर अपना स्थान दर्ज करवा लिया है। इसके बाद नंबर 3 पे है टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। टाइटैनिक मूवी को कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखी होगी। एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरॉन ने और ये मूवी रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। अपने लाइफ में आपको अगर ये मूवी नहीं देखी तो आपने क्या देखा, एक बार इस मूवी को जरूर देख लीजिए। कैसे एक बर्फीले चट्टान से इतना बड़ा जहाज टकराता है और कैसे डूब जाता है, एक रियल स्टोरी पर आधारित है। 1979 में ये मूवी रिलीज हुई थी। ये मूवी आज भी दर्शकों की फेवरेट मूवी में इसने अपना स्थान बना लिया है। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है और इस मूवी को 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $2.202 बिलियन की कमाई के साथ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी में नंबर 3 पर अपना स्थान बना लिया है। इसके बाद नंबर 2 पे है एवेंजर्स द एंड गेम। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। एवेंजर्स द एंड गेम एक्शन ड्रामा और एडवेंचर से भरपूर ये मूवी है। जब ये मूवी सिनेमा घरों में आई तो नोटों की बारिश हो गई थी क्योंकि एवेंजर सीरीज की ये लास्ट मूवी थी और दर्शकों ने भी काफी प्यार बरसाते हुए इसे वर्ल्ड के टॉप 10 मूवी में अपना स्थान दर्ज करवाने में हेल्प की है। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 8.4 की रेटिंग मिली है। 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और इस मूवी का टोटल बजट था 360 से 400 मिलियन डॉलर का और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $2.798 बिलियन की कमाई के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 ग्रोसिंग मूवी में नंबर 2 पे अपना स्थान बना लिया है। और उसके बाद नंबर 1 पे है अवतार। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। एक्शन एडवेंचर और ड्रामा से भरपूर ये मूवी वर्ल्ड की टॉप 10 ग्रोसिंग मूवी में नंबर 1 पे अपना स्थान बनाए हुए आज भी है। इसके रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। इस मूवी में जो दिखाया गया है वो टेक्नोलॉजी और खास करके नए ग्रहों की जहां पर ये लोग रहते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने क्या देखा, ऐसी मूवी बार बार नहीं बनती।
तो आप जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में इस मूवी की लिंक आपको मिल जाएगी, वो भी हिंदी में आप आराम से देख सकते हैं। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है और 68% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट था $235 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $2.850 बिलियन की कमाई के साथ वर्ल्ड की टॉप 10 मूवी में नंबर 1 पे अपना स्थान बना लिया है और ये मूवी आज भी दर्शकों के दिल और दिमाग पे छाई हुई है और इस मूवी को 2 बार रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है और आपने कौन सी मूवी कितनी बार देखी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमें बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।